हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मीडिया स्क्रीनिंग में देखने आए हैं खुदा हाफिज चैप्टर 2, जिसका फर्स्ट चैप्टर OTT पर रिलीज हुआ था, लेकिन ये फिल्म कल 8 जुलाई को थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले फिल्म देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि ये फर्स्ट चैप्टर से बेटर बनी है या नहीं। फिर बहुत अच्छी मूवी, मजा आया। अरे बहुत बढ़िया, वाह वाह, मैंने अपना बहुत बढ़िया आएगा। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है, ठीक ठाक है। एक एक्टिंग कैसी लगी? फाइट अच्छी, सीन अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे? एवरेज मूवी थी, बढ़िया लगी, ठीक थी। बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक्शन स्टार है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बिल्कुल अलग तरह का एक्शन है फिल्म में। शिवालिका ओके है, और मैंने खुदा हाफिज 1 भी देखी है, उससे ये बेटर है, बढ़िया है, अच्छी है। जिसकी अपनी बेटी हो एटलीस्ट उसे फील कर पाना चाहिए। गुड मूवी, वेरी गुड मूवी, शानदार, बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। तीसरा पार्ट भी आना चाहिए इसका, बहुत अच्छी थी। क्या रेटिंग देना चाहेंगे मैम? अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी है, और चैप्टर 2 से एक्सपेक्टेशन जितनी थी चैप्टर 1 से काफ़ी बेटर लगी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी फिल्म बनी है, इमोशनल फिल्म है, और जो रेप हो रहा है उस इशू को उठाया है, और एक कहीं ना कहीं दिखाया है कि तुरंत जस्टिस करना चाहिए। बहुत पुरानी स्टोरी 2011 के टाइम की है, तो क्या लगता है कि अब कुछ सुधार आया है? तो फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो फिल्म में सबसे अच्छा उसका साउंड इफेक्ट्स लगा, और फिल्म पूरी तरीके से दर्शकों को बांध के रखती है, म्यूजिक बहुत अच्छे से बांध के रखती है, और लास्ट तक फिल्म ने मतलब जो कथानक कहें और जो स्टार कास्ट कहें उन लोगों ने अच्छे से मतलब जस्टिफाई किया अपने रोल। विद्युत के बारे में, जैसे कहते हैं कि एक समय खानों का हुआ करता था, अक्षय कुमार बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं, ऐसे विद्युत ने कैसा काम किया? विद्युत हैज डन वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। इंडस्ट्री में आगे क्या उम्मीदें चल रही हैं? परफेक्ट। और शिवालिका के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रोल है दोनों का, हस्बैंड वाइफ के तौर पे। और स्टोरी के बारे में, स्टोरी कैसी लगी आपको? क्या लगा कहानी का, उस सिर पैर था? नहीं था, मैंने पार्ट 1 तो देखा नहीं है, तो लोगों ने सवाल पूछा था कि पार्ट 3 होगा क्या, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, बिकॉज जो सोसाइटी की खराब चीज़ें हैं उसको हम लोग क्यों उजागर कर रहे हैं। मतलब विद्युत जामवाल के जितनी भी फिल्मों की बात की जाए तो एक्शन अच्छा ही करते हैं, और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी वो उतना उन्होंने करके दिखा दिया। खुदा हाफिज 1 से 2 को कंपेयर करें तो? इससे मुकाबले अगर इसका जो एक्शन है इसमें ज़्यादा देखने को मिला है, यही सब, इसमें जो एक्शन है इसमें ज़्यादा देखने को मिला है उसके मुकाबले, और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लग रहा है कि तीसरा पार्ट भी आएगा। क्या रेटिंग देंगे? 5 में से 5। दोस्तों, आपने ऑडियंस का रिस्पांस देख ही लिया कि किस तरह से हमारी सोसाइटी के कुछ बेसिक इश्यूज, जो कि कहानी वैसे तो 2011 की है लेकिन 2011 के कंसेप्ट को आज 2022 में दिखाया गया, मतलब 11 ही साल बाद, फिर भी मुझे लगता नहीं है कि सोसाइटल ऐसे इश्यूज आज भी रिजॉल्व हो पाए हैं, या हमारे समाज से रेप जैसे इश्यूज जो हैं ख़त्म हो पाए हैं। आज भी लड़कियां हमारे कंट्री में सेफ नहीं है, तो उस कंसेप्ट को कितनी अच्छी तरह से पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है। और मुझे ये चीज़ बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया में पार्ट 1 जो है, कई बार किसी किन्हीं मूवीज़ के जब अमेजिंग हो जाते हैं, बहुत अच्छे हाइप ले लेते हैं, तो पार्ट 2 भी बनाए जाते हैं, बट उनसे मुझे कभी बेटर रिस्पांस नहीं मिला। बट इस मूवी को देखकर आप कह सकते हैं कि एक बहुत बेहतरीन अगर चीज़ आप दिखाना चाहें तो पार्ट 2 के तौर पर खुदा हाफिज 2 को ज़रूर देखना चाहें। विद्युत जामवाल ने गज़ब का काम किया है, मुझे लगता है खान्स का जो समय था वो शायद पास्ट में चला जाएगा, और अक्षय कुमार जो खुद भी बहुत सी मतलब बहुत एक बड़े स्टार माने जाते हैं पर बहुत टाइम से अच्छे कंसेप्ट्स भी नहीं उठा रहे हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए अब उनका नाम कहीं ना कहीं लिया जाता है, तो विद्युत जामवाल जैसे अगर स्टार्स जिनका एक एक इमोशन एक्शन और मतलब हर चीज़ मुझे परफेक्ट लगी, साथ में शिवालिका भी बहुत अच्छा जच रही थी उनकी पत्नी के किरदार में। तो दोस्तों, आपको ये मूवी देखने जाना चाहिए, मुझे लगता है ज़रूर देखने जाना चाहिए। मेरी रेटिंग रहेगी 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि इतनी गजब लगी, एक एक सीन जो है उसको आप मिस नहीं कर पाएंगे।